ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ सबको मकर संक्रांति की। प्लीज़ अच्छे से और बहुत ही खुशियों से मनाइए त्यौहार, खूब पतंग उड़ाइए, लेकिन ध्यान भी रखिए, उससे यू नो बर्ड्स को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। तो सी इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ इट, अदरवाइज एन्जॉय द फेस्टिवल। यार फेस्टिवल होते हैं एन्जॉय करने के लिए, सो एन्जॉय। या आई यूज़ टू गेट बीटन बाय माई मॉम एवरी डे बिकॉज मैं सुबह नाश्ता खाते ही छत पे चला जाता था और पूरा दिन आई यूज़ टू फ्लाई काइट्स, पूरा दिन। और जब मैं शाम को घर आता था ना, बहुत ही डर के मम्मी मुझे पकड़ ही लेती थी और बहुत पिटाई करती थी मेरी। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन है इसका। मतलब आपको इतनी ज़्यादा वहाँ पर पतंगें उड़ती है कि आपको मतलब छत में कुछ और दिखाई नहीं, मतलब आपको ना इतनी पतंगें उड़ती हैं कि आपको आसमान में कुछ और दिखाई नहीं देगा। सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। तो हम लोग जम्मू से पंजाब जाते थे वो मांझा लेने के लिए और बहुत एक्साइटेड होते थे। और सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के हम कन्नी बांधते थे सारी पतंगों में, और मतलब कम से कम 50-60 पतंगे हम लोग रेडी कर लेते थे। एंड देन वी यूज़ टू गो ऑन द टेरेस, और उसके बाद कहाँ कौन से टेरेस पे जाते थे हम, पतंगे लूटते थे, कभी कुछ कभी कहीं से कोई गिर रहा है कोई पड़ रहा है। सो बहुत मज़ा आता था, यू नो हम लोग छत पे पूरा वो म्यूज़िक सिस्टम लगा के रखते थे और वो ग्लूकॉन डी और ये सब चलता रहता था। सो इट यूज़ टू बी फन। मैं अभी भी करता हूँ, अभी भी मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाता हूँ और हम लोग खूब पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति वाले दिन। हाँ, तिल गुड़ गया नहीं गुड़ गुड़ बोला, दैट्स ट्रू, क्योंकि तिल और गुड़ जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे इस फेस्टिवल में। और ऐसा माना जाता है कि जब भी आप तिल गुड़ खाते हैं तो आप मीठा मीठा बोलते हैं, जितना ज़्यादा मीठा वो होता है उतना ज़्यादा मीठा मीठा आप बोलते हैं। सो ऑब्वियसली सब लोगों को मीठा मीठा बोलना चाहिए एंड स्प्रेड लव। आई वॉन्ट टू विश ऑल द व्यूअर्स ऑफ इश्क में मर जावा एंड माई फैंस a very 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 happy Makar Sankranti. Love you all.